व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालूमाथ प्रखंड कार्यालय के समीप स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय दिवाकर नगर में बच्चों की संख्या लगभग 150 है और यहां नियमित मध्यान्ह भोजन भी संचालित होते हैं, पर पानी की समस्या के कारण मध्यान्ह भोजन बनाने से लेकर बच्चों को पानी पीने की काफी समस्या होती है। वहीं मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए और बच्चों को पानी पीने के लिए उन्हें विद्यालय के बाहर कुछ दूर जाना पड़ता है, जिससे इनके बीच काफी समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही स्कूल में शौचालय तो है पर पानी नहीं है। अगर किसी को शौचालय जाने की जरूरत पड़ी तो सभी अपने घर चले जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। एक चापाकल तो है पर जल स्तर काफी नीचे चला जाता है, जिससे पानी नहीं निकल पाता है। क्या कहते हैं शिक्षक संजय गुप्ता, इस स्कूल में काफी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई तो अच्छी होती है पर पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पर खासकर लड़कियों को शौचालय जाने में काफी दिक्कत होती है, उन्हें स्कूल छोड़कर घर जाना पड़ता है, जिससे पढ़ाई बाधित होती है। मध्यान्ह भोजन बनाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, काफी दूर से पानी लाना पड़ता है तब भोजन बन पाता है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने कहा कि गर्मी के दिन आ रहे हैं और हम लोगों को स्कूल में कई बार पानी की प्यास लगती है, तो हमें पानी पीने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। यहाँ शौचालय तो है पर उसमें पानी नहीं है, दूर तालाब है वहां जाना पड़ता है, जिससे आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। अगर स्कूल में व्यवस्था रहती तो हम लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता और न ही हमारी पढ़ाई भी बाधित होती। बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित दिवाकर नगर स्कूल में पानी की यहाँ काफी समस्या उत्पन्न हो रही है और ये समस्या आज ही नहीं कई सालों से है। यहाँ पर एक चापाकल है जिसमें बरसात के दिनों में और अन्य दिनों में वहीं पानी तो निकल जाती है, लेकिन गर्मी के दिनों में यहाँ पानी की काफ़ी समस्या होती है। इस कारण बच्चों को भी दिक्कत होती है। यहाँ पर शौचालय है, मध्यान्ह भोजन का जो है खाना बनता है, उसके बाद भी यहाँ पर इतनी दिक्कत होती है कि बच्चों को कई दूर जाना पड़ता है। इस कारण बच्चों काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चों को अपने अगर शौचालय लगा तो उन्हें अपने घर जाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई काफ़ी बाधित होती है। और ये जो समस्या है प्रखंड मुख्यालय से मात्र 200 गज की दूरी पर है, पर अभी तक यहाँ पर किन्हीं के द्वारा ऐसी ना जल मीनार की व्यवस्था की गई है जिससे जो पानी की जो समस्या है वो उसे पूर्ण हो सके। आइए हम आपको जो स्कूल की कुछ जो समस्या है वो आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखाता हूं कि इस इतने स्कूल में जहां 150 बच्चों की संख्या है वहां पर एक चापाकल है। मैं देखिए चापाकल जो हमारे पीछे लगी हुई है जो मृत अवस्था में पड़ी हुई है, इससे पानी के लिए कोई पानी जो है बहुत कम निकलता है। अभी तो गर्मी के दिनों में पानी इससे निकलता ही नहीं है। इस कारण बच्चे इसी चापाकल के भरोसे में रहते हैं। जो अभी आपको दिखाए हैं वो चापाकल अभी बंद पड़ी हुई है। स्कूल का जो हेडमास्टर है संजय, हम अब स्कूल के जो हेडमास्टर है विजय कुमार गुप्ता उनसे पूछते हैं कि स्कूल में क्या क्या समस्या पानी के लिए उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे बच्चों को पीने के लिए पानी का बहुत किल्लत है। बच्चे को जब पानी पीना होता है स्कूल से बाहर जाना पड़ता है, जबकि दो स्कूल के दोनों साइड सड़क है। अब आजकल यातायात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हैं कभी भी अनहोनी का संभावना बना रहता है। इस स्थिति में बच्चे घर से पानी भी लेकर आते हैं, लेकिन धूप का दिन है पू नहीं पाता है, जिसकी वजह से बाहर जाना ही पड़ जाता है। यहाँ पे नियमित पोषाहार भी चलता है, मध्यान्ह भोजन बनता है, भोजन बनाने में भी काफ़ी दिक्कत है, पानी बाहर से लाना पड़ता है, हैं बच्चे को उचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है पानी की दिक्कत की वजह से। कुछ स्कूली बच्चे पूछते हैं कि यहाँ क्या समस्या हो रही है आप लोगों को, पानी के लिए क्या दिक्कत हो रही है। चापाकल यहाँ पर है तो खराब हो गया है, सड़क का ऊपर जाने पड़ता है, इसलिए तो कितना भी जाना पड़ता है, सड़क का ऊपर जाने पड़ता है। क्या दिक्कत होता है इससे? पानी नहीं है, पढ़ाई भी होता है बाधित होता है। और जो शौचालय के लिए कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो जाना पड़ता है, घर तरफ जाते जाना पड़ता है। और क्या दिक्कत होता है? पानी की समस्या है। एक स्कूल में एक चापाकल भी जिसमें पानी नहीं निकलता है। यहाँ पर चारों तरफ चट्टान से जब पत्थर निकला हुआ है, यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर फील्ड भी नहीं है, कहीं बहुत बच्चों को लग भी चुका है। जैसे कि सोचा नहीं लगता है तो हम लोग को घर जाना पड़ता है रोड के पास, तो हम लोग को डर भी होता है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर पत्थरों से भरा हुआ फील्ड है जिसमें काफ़ी चोट मिल जाती है, और जिससे कि यहाँ ग्राउंड भी नहीं है, ऊपर से मध्यान्ह भोजन बनता है, उसकी पानी की समस्या है, बच्चों को शौचालय के लिए घर जाना पड़ता है और पानी पीने के रोड के उस पर जाना पड़ता है, जहाँ पर यातायात काफ़ी रोड बनने से तेज़ हो गई है, जिससे आए दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अगर यहाँ पर जल्द ही पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण देगी। अब देखते हैं इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए सबके यहाँ के पदाधिकारी क्या निर्णय लेते हैं और कब यहाँ पर पानी की व्यवस्था कराते हैं, जिससे यहाँ के बच्चों को जो हो रही दिक्कतों का सामना से कैसे उसे निजात मिल सके। पंकज सिन्हा, सिटी न्यूज़, बालीगंज।